चाच, are you okay? क्या हो गया? रो गए रे? हमारी किसी बात ने हर्ट कर दिया गया आपको? कौन है ढुके भैया? अब काहे उनको चिरायता बोले? चाचा जी क्यों नाटक? I mean रो रहे हैं इतना? चिरायता ही तो बोला है, कोई बहुत बड़ी गाली थोड़ी ना दी है। कम ऑन चाची ने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं आपको, मोटी मोटी गालियां दी हैं, तब तो आप ऐसा रो ही नहीं। आज आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक चाच। अरे यार मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर काहे रो रहे हैं? वो क्या है ना कि कच्चा बनियान ने मुझे चिरायता कहा तो मुझे कचेड़ू के दादाजी यानी कि मुझे अपने पापा की याद आ गई। एक्चुअली उनका नाम श्री चिरायती नारायण था। अरे खजेड़ू सुन, आज ना उनका जन्मदिन है। ओह माय गॉड, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ना हमें कबूतरों को दाना खिलाना चाहिए। खुद तो आप 3-4 पैक टिका के आए हैं और दादाजी को दाने में डरका रहे हैं। तो अभी भी पकड़ लियो। पूरी पकड़ूंगा आज तो। हाँ चल पूरी पकड़ ले। मैं लेके आता हूँ। दाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Come on, have a bite. Come on, Dadu, have a bite. Come on, Dadu. I'm sorry, Dadu. उसे गलती हो गई क्या? ये क्या है? कि Dadu ने कोई खजाने का कोई नक्शा तो नहीं छुपा रखा यहाँ पे? चाच, दादू की डायरी मिली है, इसमें कुछ नुस्खे लिखे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दे। हाँ, अरे हाँ, कचेड़ू, तुझे पता है तेरे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी चिरायती नारायण मिश्रा एक बहुत बड़े वैद्य थे। अरे उनकी ताकत की दवाइयों का असर ऐसा होता था कि सूखे डंठल से भी किले फूट पड़े। क्या बात कर रहे हैं रियली? अरे वही बात कर रहा हूँ जो आंखों से देखा है, वही तो बयान करूंगा। और तुझे पता है दूसरे देश के राजाओं की अय्याशी की दम जो है वो तेरे दादाजी की जो ताकत की दवा थी ना उसमें टिकी हुई थी। ओह रियली? तो दादू फिर विदेश भी जाते होंगे? वो कहीं नहीं जाते थे, अंग्रेज आते थे खुद दवा लेने के लिए ऐसे। ओह तो दादू की जो दवा की जो हवा थी विदेशों में भी थी इसका मतलब? ऑफ कोर्स, अरे पूरी दुनिया में यार। मतलब तू ये समझ ले कि दूसरे देश के लोग तेरे दादाजी की दवा का जो नुस्खा था उसका फार्मूला लेना चाहते थे कैसे भी करके मिल जाए, लेकिन तेरे दादाजी ने किसी को नहीं दिया। लेकिन ये फार्मूला मुझे दे दिया दादू ने। लेकिन एक बात बता, तू क्या करेगा इस फार्मूले का? दाद की जो परंपरा है, जो लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। सुनो पगली। बोलिए ना। अगली बार अगर बुआ जी का फोन आए और वो तुमसे पैसे मांगे तो फौरन तुम हमें फोन करोगी। बताओ हमारी मर्जी के खिलाफ 10,000 रुपए दे चुकी हो तुमने? हाय दिया, तो उनका ना वो हरियाणा का कॉर्पोरेशन था ना। हरियाणा का? हरनिया का ऑपरेशन तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसा ही पकड़े हैं। अरे बुआ जी का हर 2 महीने में हरनिया का ऑपरेशन होता है और वो अपने खरीदे हुए सामान की किश्तें भरवाती है ऑपरेशन के नाम पर हम रिश्तेदारों से। सारी सारी लड्डू के भैया, हम अगली बार आपको कॉल करके पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना, समझ गई? ठीक पा। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। भेड़िए की शक्ल के तुम मुझे कहाँ ले आया है यार? इसका नाम तिवारी है और ये कच्चे बनियान का जलील धंधा करता है। ये कौन सा तरीका है इंट्रोडक्शन देने का? कोई आदमी भी तो जलील है। आप कौन ज्याते शरीफ है? मारा नाम हकीम सुरकान लाहौरी है। इस दुनिया में आने का मकसद? तुम जैसे बेईमान जो है, यार बड़े बदतमीज लोग हैं यार, न चाय न पानी न पान। हाय दिया, अब वो
मिस्टेक करना चाह रही हो क्या? ऐसे ही पकड़े हैं, ये हमारा गलती है। ओए होए, ये मीठा केक कौन है? जी ये हमारी धर्मपत्नी है अंगूरी। लगती तो नहीं है? मैंने कहा तू कौन है? जाहिर सी बात है हम इनके पति हैं, लेकिन आप कौन हैं? आशिक को हैं? अरे मैं क्या, हम इंसानियत के आशिक हैं, बीमारियों के दुश्मन हैं। हकीम सुरकान लाहौरी। अगर नाम याद ना रहे ना तो अपने नाम की मैं बत्ती बना के तेरे कान में उर्स दूं। बड़े अजीब बुजुर्ग बार हैं। ओ बार की बात ना कर तू, इस बार ने हमारी नस्ल को खराब कर रखा है यार। इस बार की वजह से लोगों को गुर्दों की तकलीफ हो गई है, और इस नस्ल के फेफड़े काले पड़ गए हैं और धुएं छोड़ रहे हैं यार। और आजकल की लड़कियां ने लकड़ियां लगती हैं, और लड़के और सूखे चुहारे हैं यार। हमको चुसा हुआ बॉडी फुला ली है, और कोई तरीका है यार ये? माफ कीजिएगा, एग्जैक्टली आप कौन है? मतलब हकीम है, लीडर हैं, या फिलोसोफर हैं, या क्या है? तो बता यार, तो बताओ। अबे ओ कच्चा बनियान, ये बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। हाँ, ये नब्ज देखकर मर्ज बताते हैं और ऐसा इलाज करते हैं कि मर्ज को ये चुटकी में गायब कर देते हैं। हाँ तो अब उनका है कि हम रिलेटिव के भैया को तो बहुत ही पुराना मर्ज है। आपको बताने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे क्या मर्ज है इनको। आप कैसे बताएंगे? थोड़ी देख के नब्ज। अच्छा मनु शक्ल की ये बता, तेरा सुबह सुबह जी मचलाता है? हाँ। आईना ये सर्द सर्द कैसा, रंग चेहरे का जर्द कैसा, काम घुटनों का जब लिया ही नहीं तेरे घुटनों में ये दर्द कैसा। कमाल है आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए हकीम है। मैंने कहा ये पहुंच के लौटे हुए हैं। हकीम हलकान जी, खाकसार का नाम जो है हकीम सुरकान लाहौरी है। सही पकड़े हैं। वो कहा है कि हकीम साहब जरा हमरा भी नब्ज देखे ना।